और ये जेई मेंस 2019 का फिर से लिमिट का प्रॉब्लम, इसमें भी स्पेशल फंक्शंस लिमिट है, मतलब मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनको इन्वॉल्व करना है, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी है। तो ये क्वेश्चन देखने में जितने बड़े होते उतने ही आसानी से बन भी जाते हैं, क्योंकि आपको जब भी स्पेशल फंक्शन दिया हो तो आपको स्पेशल फंक्शंस को ओपन करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पर ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टेन पाई साइन स्क्वेयर एक्स। देखो ये टेन पाई साइन स्क्वेयर एक्स कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर प्लस, अब यहाँ पे आइए ब्रैकेट के अंदर में वॉट ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और इस पूरे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा, इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लेता हूँ। पहले हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टेन पाई साइन स्क्वेयर एक्स बाई एक्स स्क्वेयर एक्स, तो ये तो एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो गई, करेक्ट है। और इसको दूसरा लिमिट बना लेते हैं एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स फिर इस पूरा और फिर इस पूरे का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। तो ये दो लिमिट बना दिए। ये लिमिट में कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। और बाद में जब आप इस लिमिट को देखते हैं तो यहाँ पे स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इसमें हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग ओपन करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टेन है पाई साइन स्क्वेयर एक्स है, एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये पूरा 0 की ओर जाएगा, तो यहाँ पे भी पाई साइन स्क्वेयर एक्स होना चाहिए, पाई साइन स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया और ये एक्स स्क्वेयर नीचे दे दिया, तो ये लिमिट बड़े आसानी से कन्वर्ट हो गया, ये पूरा बन गया 1, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये भी 1 हो जाएगा, बच जाएगा पाई, तो दिस इज इक्वल टू पाई। तो पाई प्लस एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट उसका, एक बार राइट हैंड लिमिट इसका, करेक्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेंगे और राइट हैंड लिमिट निकलेंगे। अब ये आ गया दूसरा क्वेश्चन, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब आप 0 और -1 के बीच में गई खड़े हैं, तो नेगेटिव में हो, तो ये वाला निकल जाएगा पाई में, मॉड -x में ओपन होगा, यहाँ आते माइनस साइन ये एक्स, अब ये देखो बॉक्स ऑफ एक्स को खोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को, तो आप कहीं -1 और 0 के बीच में है तो उसका बॉक्स माइनस आता है, तो दिस इज -x हो जाएगा। ये -x को आप बाहर ले लो तो ये प्लस बन गया, और अब इस पूरे का स्क्वायर, अब यहाँ से सीधा एक्स साइन एक्स लिख दो, इस पूरे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर, करेक्ट, ओपन करते आना चाहिए। ओके, अब आते हैं अपने पास में क्या करना है, कि अगर मैंने एक्स को यहाँ दे दिया स्क्वायर के अंदर में, स्क्वायर के अंदर में दे दिया, तो अब ये पूरे ब्रैकेट को ऐसे लिख देंगे डिवाइडेड बाय एक्स ऐसे और इसका पूरा स्क्वायर, फिर हमने एक्स से डिवाइड भी कर दिया तो ये बनेगा -1, ये बनेगा -1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, करेक्ट है। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ पर कि हमको लिमिट लगाना है, तो आप लिमिट को इसके स्क्वायर के अंदर में दे देंगे, तो ये तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1 और फिर इस पूरे का स्क्वायर, लिमिट को अंदर दे दिया इसका तो -1 ही होगा, साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट +1 हो जाएगा, -1 +1 और फिर उसका स्क्वायर, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 0, इसका मतलब ओवरऑल जो फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, इधर पाई था पाई प्लस 0 दैट इज इक्वल टू पाई, ये पूरे इस पर्टिकुलर फंक्शन का लिमिट। अब आएंगे इसका राइट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट लगाते हैं यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट के लिए वैसे ही ओपन करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये अब एज इट इज खुलेगा एक्स माइनस, अब आप 0 और 1 के बीच में हैं तो उसका बॉक्स 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाता है और इस पूरे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा कट गया इक्वल टू 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कितना आ गया आपका 1 ही तो आएगा, कैसे बोलो, एक्स को हमने
प्लस एक्स कर दिया, और यहाँ पर एक्स जीरो में ओपन होगा, ठीक है, जीरो पॉजिटिव है तो ये तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर ही तो होगा, तो एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर कितना होता है, वन होता है, सिंपली वन। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट अब आते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं, ये वन किसका लिमिट आया आपका, इसका राइट हैंड लिमिट, हमको इस पूरे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालना है, ऑलरेडी इधर मैं पाई निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड लिमिट ऑफ होल फंक्शन पाई प्लस वन, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट होल फंक्शन का क्या था, पाई था, राइट हैंड लिमिट क्या है, पाई प्लस वन है। आई होप दैट बात समझ में आ गई होगी। ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।